मोदी जी जयपुर आ रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जनता बहुत खुश है, मोदी जी जयपुर आ रहे हैं और यहाँ पे राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनने वाली है। पूरी 150 सीटें आएंगी अब की बार राजस्थान में। जादूगर का जादू नहीं चलेगा? ये जादूगर का जादू क्या चलेगा, इसने तो भ्रष्टाचार फैला दिया यहाँ पे। और ये कहता है कि मैंने ये किया, महिलाओं के साथ कितना अत्याचार किया है, महिलाओं को बहुत अत्याचार किया है इसने। और ये कहता है कि पेपर लीक करवाए, बच्चे अभी तक परेशान है, बच्चे क्या करें, बच्चे साल साल दो दो साल पढ़े हैं, वो पढ़ाई में पैसा लगा है, वो उसका घर वाले परेशान है, पैसा कहाँ तक लगाए, वो खेती करके लगाए। जो किसानों को इसने जादूगर ने एक बार बोला 10 दिन में कर्जा माफ होगा, 5 साल में कर्जा माफ नहीं हुआ, 10 दिन में क्या करेगा? पप्पू तो ये कहता है 10 दिन में करवा दूंगा, अब कहाँ गया पप्पू? अब पप्पू आता ना जयपुर में बोलने के लिए, भाई उसने आना चाहिए, आया क्यों नहीं हुआ? 10 दिन में कर्जा माफ नहीं हुआ, हम किसान है किसान, हम बोलते हैं और बोलेंगे और डंके की चोट में मोदी को वोट देंगे, डंके की चोट में मोदी को वोट देंगे और बीजेपी की सरकार बन के रहेगी, 150 सीटें आएंगी। कितनी सीटें लगती है, 200 में से कितनी सीटें आएंगी? 150 सीटें आ रही है, हम बहुत परेशान है कांग्रेस से, कांग्रेस ये कहती है ना हमने बहुत बढ़िया काम किया, कुछ बढ़िया काम नहीं किया, बिजली के बिल जमा कराए, डबल करा रहे हैं बिजली के बिल जमा, गैस के सिलेंडर की कहते हैं, गैस का सिलेंडर 500 का कर दिया, हम 1100-1200 में सिलेंडर ले रहे हैं, कहाँ किया, कौन सा कम कर दिया, कहीं का कर दिया कम, कब किया है कम? युवाओं का क्या रुख है, युवाओं का? कांग्रेस सिर्फ एक विशेष समुदाय के लोगों को छूट दे रही है, बाकी किसी को कोई राहत नहीं मिल रही है। कांग्रेस सिर्फ दुष्टीकरण कर रही है और कुछ नहीं कर रही है, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है दिन ब दिन, आज भी घटना हुई है। क्या कहना चाहेंगे आप? इतना उम्र हो गई आपकी, आपने तो सारी राजनीति देखी है। मेरी उम्र 70 साल की है और हम हमेशा बीजेपी को वो देते आए हैं हमारा मत, और हम बस्सी विधानसभा क्षेत्र से हैं और हम चंद्रमोहन मीणा साहब को ही वोट देंगे। महिलाएं किस तरफ है इस बार, क्या लगता है महिलाओं का रुख किधर जा रहा है इस बार? महिलाओं का पूरा रुख बीजेपी की तरफ है, मोदी जी को ही वोट देंगे। और मैं महिलाओं की नहीं हर हिंदू से ये अपील करूंगी कि वो हिंदू है तो बीजेपी को ही वोट दे। जय श्री राम, जय श्री राम। बीजेपी 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 सिर्फ बीजेपी। एक बार शांत हो साहब, बात सुनिए, आप लोग ये कहते हो जादूगर की चलेगी क्या, राहुल गांधी, पप्पू गांधी, प्रियंका गांधी की इनकी चलेगी क्या? अरे जादू आता ही नहीं है इसको, इन लोगों ने कह कह करके जादू कर दिया, ठीकरी के बराबर है, क्या आता है, एक ट्रिक नहीं आती, कुछ भी नहीं आता, तो घोषणा है। और इनके पास वर्ड नहीं है, मैं मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ। अरे मोहब्बत की दुकान क्या भाव में बिकती है? मोहब्बत तो मोदी से है, तो सारी दुनिया मोहब्बत करती हुई, दुनिया इंडिया नहीं केवल वर्ल्ड, और वर्ल्ड ही नहीं, वर्ल्ड ही नहीं, हिंदुस्तान चांद पे वहाँ शिव शक्ति की स्थापना हो गई है, मातृशक्ति की स्थापना हो गई है। तो वह इनके पास नेतृत्व कहाँ है यार, सोचो तो सही, कहाँ नेतृत्व है? प्रियंका, राहुल कहाँ, बोली आती नहीं, जीभ लड़खड़ाती है यहाँ राजस्थान में अपने नेतृत्व की, और ये मोदी को गालियां दे दे करके और नेतृत्व करना चाहते हैं। एक ही है मोदी को, हाथी को गाली दो तो कुत्ता देखता, मैं भी ताकतवर हो गया, ये है भारत जोड़ो। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की थी, क्या भारत जोड़ो यात्रा की थी, बोलो, मेरे 3 जोड़ी जूते घिस गए। अरे जूते घिस गए क्या, यहाँ के कार्यकर्ताओं की चमड़ियाँ हड्डियाँ तक घिस गई इस पार्टी की, तुम 3 जोड़ी जूते की रोते हो? भारत का देश का नेतृत्व करना है तो जूतियाँ क्या, जिंदगी खपाओ यहाँ और देश की संस्कृति के बारे में सीखो। इटली में चांदी की चम्मच लेकर के पैदा होने वाले वंशजों से देश तरक्की नहीं करेगा, देश का जनता मोहब्बत नहीं करेगी। यहाँ का नरेंद्र मोदी जमीन से उठ कर के क्या कहते हैं, वो माता ने बर्तनों के, हमारे देश से जो उच्च लोग हैं बर्तन साफ कर करके मोदी जी को पाला है, उस वीर माँ को प्रणाम, उस वीर माँ का बेटा है। तो ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को कोई नहीं डिगा सकता, और उसके पीछे जो पंखुड़ी में एक पत्ती भी है वो दुनिया का नाम रोशन करेगी। 2024 लोकसभा में प्रधानमंत्री आपको क्या लगता है कौन बनेगा? प्रधानमंत्री मोदी।
प्रधानमंत्री मोदी जी। भाई साहब पूछ रहे हैं 2024 में प्रधानमंत्री कौन बनेगा, आंख मीच के कहते हैं यार नरेंद्र मोदी। धन्यवाद।